बालोद के जयस्तंभ चौक में ब्लॉक के कांग्रेस कमेटी ने अघोषित बिजली कटौती को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पूरे ब्लॉक में पहुंचे कांग्रेसियों ने सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही सभा को संबोधित करते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी ने कहा कि विदेश में बिजली दर की बेतहाशा वृद्धि और अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिसके चलते विभाग और शासन मौन बैठा हुआ है। उन्होंने बताया कि लगातार बिजली कटौती से किसान परेशान हो रहे हैं। इस मौके पर युवा कांग्रेस नेता अंचल प्रकाश साहू ने धरने को संबोधित किया। सबसे मुख्य जो हमारा प्रदर्शन का कारण है विद्युत अघोषित विद्युत कटौती और विद्युत दर में बढ़ोतरी। सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। इसके पहले कांग्रेस की सरकार बिजली बिल, भूपेश का कहना साहब बिजली बिल हाफ, ये हम लोगों ने 5 साल पूरी जनता की सेवा में बिजली दर में कमी किए थे और बिजली दर हाफ किए थे। लेकिन जैसे ही सहाय सरकार की पदार्पण इस छत्तीसगढ़ में हुआ और आज विद्युत दर का बढ़ोतरी और अघोषित विद्युत कटौती हो रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं।